क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई मुझे किडनी स्टोन है तो प्रोटीन मुझे मना है तो मैं क्या करूं। देखो यहां पर आप ही अकेले नहीं घबरा रहे हो, बहुत से लोग घबरा रहे हैं किडनी स्टोन हो गया है तो हम प्रोटीन इंटेक को बंद कर दें या प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं लें या हाई प्रोटीन डाइट नहीं लें ये सब। सो आपने यहाँ पर थंबनेल तो देख ही लिया होगा, इसी के बारे में बात करेंगे। सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग, दिस इज गोलू और आपका स्वागत है एक और फिटनेस से जुड़ी हुई वीडियो में। तो वो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको समझना होगा कि किडनी वर्क कैसे करती है और किडनी में कितने टाइप्स के स्टोन होते हैं, किस तरीके के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले बात करेंगे कि किडनी क्या काम करती है। किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, बेसिकली जो वेस्ट मटेरियल है उन्हें प्रॉपर तरीके से निकालने का काम करती है। अब कई बार किडनीज के प्रॉपर तरीके से ना काम करने के कारण वो वेस्ट मटेरियल वहीं पर जुड़ता रहता है और धीरे धीरे करके वो एक क्रिस्टल का फेस लेता है और देन उसके बाद एक स्टोन का। और ये किडनी वर्क किस वजह से अच्छे से काम नहीं कर पाती, सबसे कॉमन मिस्टेक तो हो गई यहाँ पर आपका डिहाइड्रेशन, यानी कि आप पानी सही मात्रा में नहीं पीते जितनी आपकी बॉडी को जरूरत होती है। और भी रीजन है इसके, जैसे कि जेनेटिकली प्रॉब्लम हो गई, आपको ओबेसिटी है यानी कि मोटापा, ज्यादा लॉन्ग टाइम से आपका डाइजेशन खराब है, या कोई आपकी ऐसी सर्जरी हुई है इंटेस्टाइन में जो कि कुछ टाइम पहले आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम दे रही हो, ओके। और एक सर्टेन डाइट भी हो सकती है जैसे कि हाई प्रोटीन डाइट, शुगर ज्यादा हो, इस टाइप्स की। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये घबरा रहे होंगे कि भाई साहब हाई प्रोटीन डाइट तो मसल बिल्डिंग करने के लिए लेते हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपके हर किसी का हर टाइप का जो क्वेश्चन होगा प्रॉपर तरीके से क्लियर होगा। अब बात करते हैं हम कि किडनी स्टोन कितने टाइप्स के होते हैं। चार टाइप्स के बेसिकली देखे गए हैं। सबसे पहला आपका कैल्शियम, जिसमें भी आपके दो तरीके के होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम ऑक्सलेट। सेकंड है आपका यूरिक एसिड स्टोन, थर्ड है आपका स्ट्रोबेट स्टोन एंड फोर्थ है आपका सिस्टेन स्टोन। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं, इतने सारे जो मैंने किडनी स्टोन्स बताए हैं ये प्रोटीन को खाने से नहीं होते, ये अलग बात है कि किडनी में ऑलरेडी प्रॉब्लम पहले से ही थी तो आपको प्रोटीन खाने के लिए मना किया जाए, ना कि इस वजह से किया जाए कि भाई साहब इन्हें खाने से आपके ये स्टोन्स हो सकते हैं। और इस बात की प्रॉपर स्टडीज भी हो चुकी हैं, 0.5 ग्राम की, 1 ग्राम की, 1.5 ग्राम की, 2-3 इतने ग्राम तक स्टडीज हो चुकी है, मतलब इतना ज्यादा प्रोटीन पर केजी के हिसाब से दिया गया लोगों को। और लॉन्ग टाइम में ये देखा गया कि किडनी स्टोन से रिलेटेड ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। 2 ग्राम का तो बल्कि मैं अपनी बॉडी पे ही कर रहा हूँ 2.5 या 3 साल से, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि मेरे तो जो 4 महीने में नॉर्मली बॉडी टेस्ट होते हैं जैसे कि LFT, KFT और भी जो बॉडी फंक्शंस होते हैं जिनके बॉडी में टेस्ट होना जरूरी होता है, उनका हुआ और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं निकली मेरी बॉडी पर। अब बात करते हैं कि आपको किस टाइप का किडनी स्टोन है और आपको उसमें प्रोटीन लेना है या नहीं। जैसे कि आपकी फर्स्ट की बात करते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के बारे में। अब इसमें देखो एक बढ़िया बात सुनो, बहुत से लोग ये समझते हैं कि इस टाइप का जो कैल्शियम वाला किडनी स्टोन है तो हमें बॉडी में से कैल्शियम को पूरा कट करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पर जो मैक्सिमम हद तक आपकी डाइट में जो फूड कट किए जाएंगे जिनसे मिल रहा होगा ऑक्सलेट और फॉस्फेट, ना कि कैल्शियम। कैल्शियम मतलब कट भी किया जाएगा तो इतना किया जाएगा कि एक बॉडी को सफिशियंट अमाउंट में मिलता रहे। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट के, यानी कि यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड में आपको बेसिकली जो प्यूरिन बेस्ड फूड है उनको लेने से मना किया जाएगा, जैसे कि सी मीट हो गया, ओके, रेड मीट, ऑर्गन मीट, एल्कोहल एंड स्वीट ड्रिंक्स एटसेट्रा, इन सबको लेने के लिए मना किया जाता है। और आपकी नॉलेज के लिए एक और बात बताऊं, ये जो यूरिक एसिड स्टोन है वो हमारी किडनी में ही अकेला नहीं होता, हमारे जॉइंट्स में भी होता है। बेसिकली जब आपके ब्लड में यूरिक एसिड की जो मात्रा है वो ज्यादा बढ़ने लगे। और थर्ड है आपका सिस्टेन स्टोन, जिसमें आपको सॉल्टी फूड जो है, जिसमें आपके पोटैटो चिप्स, ओके, सैंडविच टाइप, जो बेसिकली पैकेट मील्स होते हैं उनको नहीं लेना है, और ज्यादा से ज्यादा जिनमें सॉल्ट डला हो उन फूड्स को अवॉइड करना है। और अब बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की, जो कि एस्ट्रोबेट किडनी स्टोन, जिसमें आपको ऑक्सलेट, कैल्शियम से रिलेटेड प्यूरिन बेस्ड नट्स, रेड मीट और जो फॉस्फेट बेस्ड फूड होंगे उनको अवॉइड करने के लिए कहा जाएगा। सो यहाँ पर आपको इतना सब इसीलिए बताया जिससे कि अच्छे से समझ में आ सके कि मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ। और जो मैंने आपको किडनी स्टोन्स बताया ना, इनमें से जनरली जो ज्यादातर देखे गए वो कैल्शियम वाले स्टोन्स हैं। और साथ में ये किडनी स्टोन होना आज के जमाने में नॉर्मल हो चुका है और कई बार तो हमारी बॉडी में होते भी हैं और निकल भी जाते हैं, पता भी नहीं पड़ता। और यहाँ पर मैं नॉर्मल वर्ड का इसलिए भी यूज कर रहा हूँ क्योंकि देखो हम पुराने जमाने में नहीं जी रहे हैं, आज का जो 2023 है इसमें मैक्सिमम डिजीज की मैक्सिमम सॉल्यूशन अवेलेबल है। सो इस टाइप्स के अगर किडनी स्टोन आपकी बॉडी में होते भी हैं तो साथ में डॉक्टर भी तो होगा ना यार, और डॉक्टर आपको अच्छे से बताएगा कि किस तरीके का आपको प्रोटीन फूड लेना है, मतलब किन सोर्सेज से लेना है जिससे कि आपको बॉडी में प्रोटीन की कमी भी ना हो और जो आपका किडनी स्टोन हुआ है वो अच्छे से बॉडी से निकल जाए। तो मैंने यहाँ पर जो बताया ना कि इस फूड से लेना या इस फूड से नहीं लेना, अगर आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, डॉक्टर के पास जाइए, उनको बताइए, सब कुछ सॉल्यूशन दे देगा वो आपको। आई होप जो टॉपिक आपने पूछा था मैंने अच्छे से समझा पाया होगा, और इतनी देर तक जो आपने मेरी बात सुनी उसके लिए थैंक यू।